अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। मैं देख रहा था जब मेरे साथी राजेश ऋषि जी कह रहे थे कि मोदी सरकार ने ये नहीं करने दिया, तो बड़े माहौल मजाक के माहौल में अपोजिशन के साथ ही हंस रहे। अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है? हमारे साथियों ने आज दिल खोल के अपनी बातें रखी कि मोहल्ला सभा किस तरह से उनको इम्पावर करता, लेकिन सारी की सारी राजनीति भाजपा और कांग्रेस की इसी में रही है कि आम आदमी देश का इम्पावर्ड ना हो, आम आदमी देश का इन्फॉर्म्ड ना हो, आम आदमी छोटे छोटे चीजों के लिए नेताओं के चक्कर काटता रहे। अध्यक्ष महोदय, शुरू में एक साथी ने गांधी जी का एक कोटेशन दिया था, कहा कि 20 लोग सत्ता में बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि देश का आखिरी आदमी कैसे अपने अधिकारों का उपयोग करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने भी एक कोटेशन दिया कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हम 5 साल के लिए किसी को चुन लें और उसके बाद पूरे 5 साल जनता उसका चक्कर काटता रहे। अध्यक्ष महोदय, हो यही रहा। मोहल्ला सभा, विंदर जी कह रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, वो बिल लेके नहीं आए, तरीके से नहीं आए। मोहल्ला सभा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो 73rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान का, जिसके जरिए पंचायती राज और ग्राम सभा के जरिए रूरल इंडिया को एक एम्पावर करने की तैयारी की गई थी, जो आज तक का उसका एक्चुअलाइजेशन नहीं हो पाया। तो ग्राम सभा का जो अर्बन फॉर्म है मोहल्ला सभा, जिसको आम आदमी पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने एक सपने की तरह इसको लाने का प्रयास किया, जिसमें एलजी महोदय और भाजपा का केंद्र सरकार दोनों ने अड़चने पैदा की। अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला सभा स्ट्रक्चरली कोई डिफरेंट नहीं है। जब कहा कि भाई 350 करोड़, अभी पूछ रहे थे कि वो आपको पिछले बार जो जितना पैसा मांगा था बजट क्यों नहीं बढ़ाया। जिंदर जी, आपके दबाव में ही फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा कि भैया मोहल्ला सभा नाम की कोई चीज नहीं, इसलिए हम उसका फंड एलोकेट नहीं कर सकते। भाई, जो कुछ भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर जनता छोटी छोटी मांगे रखती है, उसे करने का दायित्व तो सरकार के ऊपर है, म्युनिसिपैलिटी के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है। जब तीनों तलों के सरकारों के ऊपर है, तो यह दायित्व पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? जनता की मांग क्या होती है? मेरी नाली बना दो, सड़क बना दो, लाइट लगा दो, पार्क बना दो, पार्किंग बना दो। इन्हीं छोटे छोटे चीजों में जनता को फंसा करके ये नेता बड़े आराम से उनको चूसते हैं और पूरे 5 साल मजे लेते हैं। वो इनके चक्कर काटते रहें छोटे छोटे कामों के लिए, उनका काम ना हो, कभी दया करे काम कर दिया तो कर दिया। कंसेप्चुअली जब मोहल्ला सभा हम सब साथियों के विधानसभाओं के अंदर, हम लोगों ने गूगल मैपिंग के द्वारा अपने अपने विधानसभा के अंदर मोहल्ला सभा का निर्माण किया, और हमें से कई साथी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैं अपने विधानसभा के अंदर 35 मोहल्ला सभा बना करके, जिसका कि उस वक्त हमने सबमिशन किया था सरकार को, हर मोहल्ला सभा का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, और हर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कुछ 200-250 लोग अपनी समस्याएं डालते हैं, और विद इन मिनट्स एमएलए ऑफिस के द्वारा, एमएलए के द्वारा उस पर एक्शन लिया जाता है। और आज वो इलाके जहां भाजपा के वोटर्स थे, सफदरजंग क्लेव है, हौस खास है, ग्रीन पार्क है, वो इलाके आम आदमी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। और यही नहीं चाहते, ये चाहते नहीं कि जनता के समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी के द्वारा हो। अगर समाधान हो गया तो इनको अनसीट करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। इनकी मुसीबत यह है कि ये जितने यंग, जितने जिस तरह से हमारे विधायक आए हैं, जिस ऊर्जा के साथ आए हैं, जिस भाव के साथ आए हैं, वो भाव और ऊर्जा के साथ जब वो क्षेत्र में काम करते हैं तो इनके दिल के अंदर बहुत हलचल पैदा होती है। ये सारे काम अगर हो गए तो जनता बोलेगी, भाई जो काम 20 साल से नहीं हुआ, 25 साल से नहीं हुआ, 30 साल से नहीं हुआ, कैसे हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है, दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो दुकानदारी इनकी बंद हो जाएगी, जो राजनीति को एक दुकान के तरह उन्होंने खोल रखा है कि भाई ये समस्याएं इनकी बनी रहे और हमारी दुकान चलती रहे। अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करिए, अध्यक्ष महोदय कंक्लूड करिए प्लीज। इसके चूंकि पहले भी सदन के अंदर कई बार इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया गया,
आम आदमी पार्टी ने जो डेमोक्रेसी का जो नया एक डेफिनेशन दिया, जो डेफिनेशन दब गया था, जो संविधान के अंदर दिया गया था लेकिन उन्होंने दबा दिया था, जिसमें जनता मालिक और नेता नौकर हो, इन्होंने क्या कर रखा है? नेता मालिक है, जनता नौकर है। आम आदमी पार्टी के डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में जनता मालिक है और नेता नौकर है। इससे घबराते हैं, इनको लगता है कि भाई अगर ये एक्चुअलाइज हो गया तो दुकानदारी बंद हो गई, तो ये 5 साल आज हो रहा है ये काम। भाई जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने क्षेत्र में काम किया, अब एमसीडी में वोट तो ले आए, नया जोश, नया उमंग, नए फेस, और वही चोरी शुरू हो गई। और अब उनको पूछ रहे हैं, जनता जा रही है उनके पास, भैया वोट तो ले लिया, आम आदमी पार्टी का विधायक जिस तरह से शुरू से काम करता है, तुम लोग क्यों नहीं काम करते? अब ये फंस गए उसके ऊपर। सोमनाथ जी कंक्लूड करिए। अभी एक जमानत जब्त कराऊंगा, फिर ये उलझन में डालोगे मसले। सोमनाथ जी जमानत जब्त कराऊंगा। सोमनाथ जी आप अपनी बात रखिए प्लीज। माननीय मंत्री जी ने उत्तर देना है। अभी एक मोहल्ला सभा की मीटिंग जो मैंने पीछे की, उसके अंदर एक यंग स्टूडेंट, चूंकि आजकल टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से माननीय मोदी जी और उनके जो एक इमेजिनरी सरकार चल रही है, जिसके अंदर एक तरह से वो जुमलेबाजी, उन्होंने खुद ही कहा कि हम ये हमारे जुमले की सरकार है, वो जुमलेबाजी के चक्कर में कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो मैंने इससे पूछा कि भाई जब मेरी मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा कि भाई ये बताओ आपको किसका मॉडल अच्छा लगता है? केजरीवाल साहब का मॉडल, जिसके अंदर मोहल्ला सभाएं चलती हैं, हम अधिकारियों को लेकर क्षेत्र में आते हैं, आपके समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है, उसका समाधान होता है, या जो मोदी जी का मॉडल है कि भाई वहां चल रहा है, हमने ये कर दिया, मन की बात हो गया, अभी तो कुछ ग्राउंड पे नहीं दिख रहा। कहते जी कि अखबारों के अनुसार और चैनलों के अनुसार तो बड़ा अच्छा लगता है कि मोदी जी बड़े सूट मूट में और बड़े बड़े जहाजों में, बड़े बड़े देशों में घूमते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं दिखता। और आप लोग विधायक होने के बावजूद हर क्षेत्र के अंदर जाते हैं, आधी रात को जब 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 जनता बुलाती है पहुंच जाते हैं, आप मीटिंग्स लेते हैं, अधिकारियों को लेके आते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भाजपा स्पॉन्सर्ड मीडिया के द्वारा इस देश के अंदर एक ऐसा जुमलेबाजी का सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका कि एक नया नमूना कल रात पेश हुआ, कल रात 2 बजे तक बड़े परेशान थे ये, एक राज्यसभा की सीट को लेकर के। भाई सोमनाथ जी, अभी आप थोड़ा सा कंक्लूड करिए प्लीज। मैं उस पे आ रहा हूं। लीगली जो कह रहे हैं कि जी मोहल्ला सभा का लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, मोहल्ला सभा का कोई लीगल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं किया जा रहा। भाई जो काम जनता के होने हैं ग्राउंड के ऊपर, वो काम तो करने का दायित्व तो सरकार के ऊपर है ही। तो अगर उसका एक नया नामकरण करके आम आदमी पार्टी की सरकार एक नया रूप देने का प्रयास कर रही है, जिसके अंदर व्यवस्था का अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें इनको क्या तकलीफ हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, करीब 10 लाख रुपया पर मोहल्ला सभा हमने एलोकेट करने का प्रयास किया था, 6,000 वॉलंटियर्स उसके अंदर काम करने के लिए लगाए गए थे, मंथली मीटिंग्स होनी थी, व्यवस्था जनता के द्वार तक पहुंचती, समस्याओं का समाधान टाइमली हो पाता, हर महीने अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाती, लेकिन ना, अगर ये हो गया तो भाजपा और कांग्रेस की जो एक दूषित राजनीति है उसका क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, सब कंक्लूड करिए। आखिरी में अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे याद है कि वो चर्चा हुई थी कि भाई जैसा वंदना जी ने भी कहा कि पेंशन का जो, जब हम पेंशन का घोटाला निकला तो मालूम पड़ा कि कई धनी लोग, कई भाजपा के कांग्रेस के जानकार लोग, और इनका एक तो विजेंद्र गुप्ता जी की पत्नी का ही वो घोटाला निकला था, पेंशन घोटाला, जिसमें कि बहुत लोगों का नाम आया था। तो जब पेंशन घोटाला इनको फायदा पहुंचा रहा है, तो ये ना चाहेंगे कि हमारे पास मोहल्ला सभा हो। अध्यक्ष महोदय, बताऊंगा, चिंता ना करिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को पेंशन मिला, जब पूरे मोहल्ला के आगे पूछा जाए कि भाई कितने लोगों को पेंशन चाहिए, तो कोई भी धनी आदमी हाथ ना खड़ा कर पाएगा। अंत में ये कहना चाहता हूं कि जो इनकी लूट खसोट के इरादे हैं भाई, आप कंक्लूड करिए सोमनाथ जी। वो सारे का सारा इरादा इनका नाकाम होता साबित हो रहा है, किसके जरिए? मोहल्ला सभा के जरिए। ये चाहते नहीं
लूट खसूट का माहौल बंद हो। अध्यक्ष महोदय, इन बातों के साथ मैं माननीय एलजी महोदय से गुजारिश करता हूं कि जो मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने चलाया उसको लागू करवाएं और दिल्ली की जनता के जो असली मुद्दे हैं उस पर काम हो पाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है और आपके जरिए ये बात वहां तक पहुंचे ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।